वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेक लोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेक लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। तो चले स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बिहार बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसकी जो पहले वाली डेट थी अब वो कोरोना डिजीज के कारण स्थापित कर दी गई है और नई डेट आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले बिहार बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि पहले वाली तिथि थी वो स्थापित हो चुकी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि नई तिथि क्या आई है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नोटिस आ गया है, बिहार की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है स्टूडेंट, जैसे कि बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जैसे कि फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इनकी जो पहले वाली डेट थी अब वो नहीं रही है, एंट्रेंस एग्जाम डेट नहीं आ गई है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएशन आए एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, ठीक है, वो भी इसमें कुछ नया आया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है ना, फार्मेसी, कृषि विज्ञान, इन सभी की डेट चेंज हो गई है। तो देख लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन है बेसिक इसका, कृषि धारा से अभिप्राय, चिकित्सा धारा से अभिप्राय, ठीक है ना, इसका जो मेन वो है हम देख लेते हैं। ये रहा 4.3 पे, आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के विषय में तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान कंप्लीट, इसका जो भौतिक विज्ञान 400 का मार्किंग होती है, ठीक है। परीक्षा की अवधि एवं समय यहाँ पर दिया हुआ है, परीक्षा की प्रस्तावित तिथियाँ यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 अप्रैल 2020 रविवार को होगा। सो स्टूडेंट, आपका जो बिहार है, बिहार बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बिहार फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी की नई डेट आ गई है 12 अप्रैल 2020, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट इसको लेकर कोई भी वेरिएशन आता है, कोई भी चेंजिंग आता है, तो उसकी सूचना आपको इस जेक लोन जॉब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। कोई भी सूचना आएगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा। अवधि सेम वही रहेगी 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना, अवधि में कोई वेरिएशन नहीं आया है, बट आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग में आया है, ठीक है। पूर्णांक वही है हमारा, उपयुक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान में से प्रत्येक विषय में 4-4 अंक के 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो जो भी आप क्वेश्चन करें सो समझ कर करें, और अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दे। अगर आप चांसेस हो कि 80% चांस है कि मेरे राइट हो सकता है, तभी करके आना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 अंक की कटौती की जाएगी, तो थोड़ा सा इससे नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, और टाइम का मैनेजमेंट अपने हिसाब से करना है स्टूडेंट आपको, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मामला है, मैथमेटिक्स वाले की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। पूरी डेट्स आपको थोड़ा सा याद रखना है, और रिजर्वेशन जैसे कि आरक्षण को लेकर कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में से प्राप्त अंकों के योग के आधार पर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वो डिसाइड हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि बीएस नर्सिंग के हो गए, फार्मेसी के हो गए, पैरामेडिकल के हो गए, उनके अनुसार इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी है ना, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सब कुछ दिया हुआ है, बीएस नर्सिंग, मत्स्य विज्ञान। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, हाँ, हमारे जो बिहार स्टेट है यहाँ पर हर साल आयोजित किया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इस साल भी आयोजित किया जा रहा है, बट कोरोना डिजीज के कारण उसकी डेट स्थापित की गई है, जो कि हमने यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि इन सभी को पढ़ना कंपलसरी है, जी बिल्कुल, अभी मैं सबको पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से इस PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना स्टूडेंट। ये अब आगे आरक्षण वाली बात,
बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन निम्नलिखित बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने की प्रक्रिया आरंभ की तिथि जो कि आरक्षण संबंधी नियमों की पालन करेगा। आरक्षण है स्टूडेंट कितना है ये नीचे दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है। जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हो और उन्हें बिहार सरकार के वंचित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिए उचित जाति प्रमाण पत्र हो उसके लिए प्रत्येक संस्था की शाखावार सीट पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि को लागू आरक्षण नियमों के अनुसार कर दिया जाएगा। वो सब मैटर करता है इसमें, ठीक है। आरक्षण सीटों का प्रतिशत इधर दिया हुआ है, कोटि इधर दी हुई है, जैसे कि अनुसूचित जाति SC 16%, अनुसूचित जनजाति ST 1%, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग EWEBC ठीक है 18%, पिछड़ा वर्ग जो कि BC बैकग्राउंड क्लास के दी हुई है उसके लिए 12% और आरक्षित वर्ग की महिलाएं RCG ठीक है उनके लिए 3% और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWC वाले होते हैं उनके लिए 10% और ये 10% सभी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में 10% दिया हुआ है EWS वालों के लिए। अगर आपके पास भी EWS सर्टिफिकेट है तो आप भी उसका यूज कीजिए, अटैच कीजिए, ठीक है। आपको 10% आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण वाली बात भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, हमने एंट्रेंस एग्जाम डेट को बात कर ली, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, ठीक है, और ये जो हमारे सामने दिया हुआ है आरक्षण इसकी हमने बात कर ली, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो और इससे रिलेटेड किस विषय पर वीडियो बन सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा कुछ और चाहिए तो बोल देना कमेंट करके। तो ये हमने आरक्षण की बात की, दिव्यांशी कोटा के अंतर्गत कारण सीटें, ये सब आप इसको PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिक कर्मचारी कोटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, हम देख लेते हैं इनको, इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है इनको। सेक्शन की योग्यता आयु सीमा एवं अन्य अंतर सूचना इसमें दी हुई है। आवेदक कृपया उपयुक्त सूचना का अध्ययन कर ले। अगर आप फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले सबमिट करने से पहले अच्छे से उसको रीडिंग कर लिया करो, ठीक है ना, उससे आपके क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत बड़ा PDF है स्टूडेंट, है बहुत ही बड़ा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। ये बहुत बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दी हुई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो गए थे 20 फरवरी 2020 को। जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसको तो मिल गया होगा उस टाइम पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 18/3/2020 और उसके बाद जो हमारी लास्ट डेट पेमेंट की होती 23/3/2020 ठीक है। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म 21/3/2020। अब बात आती है इश्यू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड 31/3/2020 और एंट्रेंस एग्जाम डेट 12/2020 ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, क्योंकि 12/2020 को आपका एग्ज़ाम है 12-13 को, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके लिए जितना हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन का सहारा ले। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो बेशक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं और खासकर कोरोना डिजीज पर अवश्य पढ़ लेना, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी आप गेन करना चाहते हो तो मेरे पूरे चैनल को चेक कर लो, आप पूरे वीडियो को चेक कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। नीचे आइकन दिख रहा होगा आपको जिसमें जेके लोन जॉब लिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को पसंद पे जाके पूरे वीडियो चेक कर सकते हो, जो भी चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। वो इस प्रकार का फोटो वोटो आ जाएंगे हमारे, ये समझाने के लिए आपको इसमें दिया हुआ है, जैसे कि नाम पता कोटी है ना, ये कैटेगरी वाइज ये सारा इसमें फिलअप करना होता है, ये मेल और फीमेल,
सो स्टूडेंट आप चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट, सो इम्पोर्टेंट ये था आपके लिए कि डेट चेंज होगी इसकी डेट्स और हमारी जो रिजर्वेशन है और उसका भी ये देखिए। फार्मेसी के लिए, कृषि धारक के लिए कुछ इस प्रकार का आरक्षण दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, बहुत सारा नोटिफिकेशन, इतना सारा नोटिफिकेशन स्टूडेंट मैंने किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखा होगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन और कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है जो आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि स्टूडेंट आप एक साथ इसमें एंट्रेंस एग्जाम एक साथ ही हो रहे सभी के, इसीलिए इतना बार आता है इसके ऊपर। एग्रीकल्चर, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल सारे इसमें इंक्लूड कर दिए, तभी तो इसका नाम दिया हुआ है कि संयुक्त। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो हम देख लेते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। आयुष्यमा यहाँ पर दी हुई है, वो तो आपको पता ही कि आपकी आयुष्यमा है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। और स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर चेंजिंग आता है, कोरोना डिजीज़ के कारण चेंजिंग आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वायरस है ये फैलता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो अभी जो डिसाइड की हुई है कि 12 अप्रैल 2020 को होगा, बट वो डेट भी आगे स्थापित हो सकती है, तो उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी। ये देख रहे आप देख पा रहे होंगे इसमें ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ये स्टूडेंट है, जितना हो सके इसको आप पढ़िए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये करना है तो पहले इन्फॉर्मेशन गेन कर लो ये सारी इन्फॉर्मेशन। BC EC 2020 के लिए गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हुई है। फिजिक्स के लिए यहाँ पर जो कि ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने, जैसे कि काइनेटिक्स लॉ, मोशन, रॉक एंड एनर्जी, पावर, मोशन और सिस्टम है ना, ग्रेविटेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसका सिलेबस है, तो इसमें सब इंक्लूड कर दिया है इस फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लेना आप। केमिस्ट्री का भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बाउंडिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन है ना, ये हमारा केमिस्ट्री का है। बायो का, मैथमेटिक्स का भी हम देख लेते हैं, ये केमिस्ट्री का पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एल्कोहल, फिनोल, इतर, इन सब के मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रखे आपसे, लेकिन आपने शायद वीडियो नहीं देखे होंगे मैथमेटिक्स वालों के लिए। रिलेशन, पक्सन है ना, ट्राइंगल, बहुत सारे दिए हुए देख लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी है ना, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लांट, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 100% लिख लो आप ये बात, तो हमेशा पूछा जाता है और पूछते रहे और पूछते रहेंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये इसका सिलेबस हमने बात कर ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरे एग्रीकल्चर वालों के लिए। सो स्टूडेंट आपके लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस PDF को आप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और पूरे को अच्छे से समझना है बारीकी से, इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि इसका मीन्स क्या होता है, हमको थोड़ा सा समझाइए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है।